सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में समानार्थी एंड विरुद्धार्थी शब्द पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कहते हैं। और एक वचन एंड बहुवचन शब्द भी साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल कहते हैं। ओके, आइए समानार्थी शब्द बच्चों, ठीक है, सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा हिंट के तौर पे बताई हूँ बच्चों, ठीक है। आइए थोड़ा सा इनका भी एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है, पहला है यहाँ पे देखिए दीपक, दीपक का चिराग होता है बच्चों, दिया दीपक, ठीक है। दूसरा है पेड़, पेड़ का वृक्ष होता है बच्चों। और तीसरा है सागर, सागर का समुद्र होता है। और चौथा है औरत, औरत का स्त्री होता है, ठीक है। पांचवा है आदमी, आदमी का पुरुष होता है बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए कुछ और भी शब्द हैं हमारे समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द का तात्पर्य ये भी होता है कि उसी के जैसा उपयोग होने वाला दूसरा शब्द, लेकिन जिसका अर्थ सेम हो, जिसका अर्थ वही का वही हो, ठीक है। शब्द अलग हो लेकिन अर्थ सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, इसीलिए समान अर्थ वाले शब्द भी कहे जाते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहे जाते हैं, समानार्थी शब्द भी कहे जाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए पहला है घोड़ा, घोड़ा का अश्व होता है, ठीक है। दूसरा है सोना, सोना का स्वर्ण होता है, स्वर्ण मतलब सोने चांदी के जो भी चीज़ें होती हैं उनको स्वर्ण और सोना कहते हैं। और पहले में आप अगर देखते हो तो घोड़ा, घोड़ा को इंग्लिश में हॉर्स कहते हो, जो अश्व घोड़े की तरह दौड़ता हो, घोड़े की तरह ज़्यादा ताकतवर हो, ठीक है। और सोना को इंग्लिश में हम गोल्ड कहते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा है देखिए तालाब, तालाब को हम सरोवर कहते हैं, ठीक है, सरोवर, और इंग्लिश में पॉन्ड कहेंगे बच्चों, ठीक है। सरोवर में जैसा कमल के फूल को देखते हो तो हम लोग कहते हैं कि कमल का फूल तो तालाब में खिलता है, सरोवर में खिलता है, ठीक है। और चौथा है चतुर, चतुर का हम कुशल कहते हैं, ठीक है। चतुर का क्या होगा बच्चों, कुशल, ठीक है, कुशल यानी क्लेवर, होशियार, चालाक, ठीक है, और स्कॉलर भी हम कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और पांचवा है देखिए सूर्य, सूर्य का रवि होता है बच्चों, रवि, ठीक है। सूर्य के लिए तो बहुत सारे नाम प्रचलित हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सूर्य के नाम से जाना जाता है, जिनको इंग्लिश में हम सन कहते हैं, ठीक है। तो ये आइए कुछ समानार्थी शब्दों को यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए अग्नि है, और अग्नि का क्या होगा, आग, ठीक है, समानार्थी शब्द आग, ठीक है, अग्नि का आग होगा बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम फायर भी कहते हैं, ओके। और सातवां है सर्प, सर्प का सांप होता है, जिसको इंग्लिश में हम स्नेक कहते हैं। आठवां है नाव, नाव का नौका होता है बच्चों, समानार्थी शब्द, इंग्लिश में हम इनको बोट कहते हैं और नया भी कहा जाता है, ठीक है। नौवां है देखिए यहाँ पे आँख, आँख का इंग्लिश में हम आइज कहते हैं और इनका समानार्थी शब्द नेत्र होता है। और दसवां है पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थी शब्द धरती होता है, और यह एक प्लेनेट भी है जैसा कि आप जानते हो, और धरती पे हम सब रहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम अर्थ कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे समानार्थी शब्द हुए। आइए अब हम विरुद्धार्थी शब्द की तरफ चलते हैं, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं बच्चों, ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द, ठीक है, उल्टा जिसको कह सकते हैं हम लोग, विरुद्धार्थी शब्द, ओके। आइए देखते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी ठीक उसका उल्टा, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे आशा, आशा का उल्टा निराशा होगा, आशा मतलब आशावादी, होप रखने वाला, और निराशावादी यानी होपलेस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा शब्द है ऊषा, ऊषा का निशा, ऊषा यानी अर्ली मॉर्निंग, निशा यानी इवनिंग का समय, शाम का टाइम हो गया है, ओके। और तीसरा है देखिए गरीब, गरीब का
अमीर, उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब का अमीर हो जाएगा। गरीब यानी बहुत पुअर मैन है, बहुत गरीब है और धनवान है, उसके लिए भी अमीर शब्द यूज किया जाता है। और चौथा है ऊपर, ऊपर का विरुद्धार्थी नीचे, ठीक है, अप का डाउन, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो। और पांचवा है अंदर, अंदर का विरुद्धार्थी बाहर, ठीक है, अंदर यानी अंदर और बाहर यानी आउट, बाहर इन और आउट जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। और छठवां है देखिए लाभ और हानि, ठीक है, लाभ बेनिफिट, हानि यानी कि घाटा हो गया है, बहुत ही लॉस हो गया है, उसके लिए हानि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। आइए अब हम लोग कुछ और विरुद्धार्थी शब्दों को देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए सातवां है अग्नि, अग्नि का उल्टा जल होगा, ठीक है, जैसे आग को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह आग का उल्टा जल या आग का उल्टा पानी और अग्नि का उल्टा जल, ठीक है। आठवां शब्द है गीला, गीला का सूखा, ठीक है, वेट और ड्राई जिसको इंग्लिश में कहते हो। और नौवां है बच्चों गुड़ और अगुड़, ठीक है, क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी, जिसके पास बहुत सारे गुड़ होता है, बहुत सारी आइडियाज होती है, बहुत सारे उनके पास तकनीकी होती है, तो उनको गुड़ और अगुड़ में लेते हैं, यानी जिनके पास कोई गुड़ कोई क्वालिटी नहीं है उनको अगुड़ कहते हैं, कि इनके अंदर तो कोई भी क्वालिटी नहीं है। दसवां शब्द है जय और पराजय, ठीक है, जय यानी जीत हो जाना और पराजय यानी हार हो जाना, ठीक है। ग्यारहवां शब्द है मित्र एंड शत्रु, ठीक है, फ्रेंड एंड इनेमी जिसको बोलते हैं, कि मित्र और शत्रु, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा मित्र है, और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ठीक है, दोस्त का दुश्मन और मित्र का शत्रु, ऐसा भी हम कहते हैं। और बारहवां शब्द है देखिए यहाँ पे गुरु, गुरु का लघु, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, ठीक है, बिग का शॉर्ट एंड शॉर्ट का बिग, तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, विरुद्धार्थी हैं, उल्टा बोले जाने वाले शब्द हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए आपको याद होगा तो लेसन नंबर हमने 11 जो पढ़े थे बच्चों, उसमें हम लोगों ने विपरीत उल्टा शब्द को अध्ययन किया था, ठीक है, वहाँ से मैंने कुछ शब्द आपको लिए हैं ताकि आपका एक तरह से अध्ययन भी हो जाए और आपकी एग्जाम के लिए तैयारी भी हो जाए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखिए कम, कम का ज़्यादा, ठीक है, दूसरा है मोटी, मोटी का पतली, ठीक है, और तीसरा है बड़ा, बड़ा का छोटा, चौथा है अच्छा, अच्छा का बुरा, और पांचवा है जवान, जवान का बूढ़ा, और छठवा है दूर, दूर का पास, ठीक है। तो इनको हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों, आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती थी, यहाँ पे आप अध्ययन करिए समानार्थी विरुद्धार्थी शब्दों को, आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आइए हम लोग एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़ लेते हैं, जिनको इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल कहते हैं बच्चों, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन हिंदी ग्रामर में हमारी शुरुआत है बच्चों, आगे जाके आपको बहुत सारे ग्रामर का अध्ययन करना है, व्याकरण का अध्ययन करना है, ठीक है, तो हमारी शुरुआत हमारी धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होती है, ओके। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है, कोई चीज़ एक होती है तो उसे एक कहेंगे, और बहु होती है यानी दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम बहुवचन का उपयोग करते हैं, ठीक है। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, लिंग तीन होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे वचन दो ही होते हैं और लिंग भी दो ही होते हैं, ठीक है, तो एक वचन बहुवचन, ठीक है, और संस्कृत में तीन होते हैं इस प्रकार से कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, इनके बारे में पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे दो ही वचन होते हैं हमारे, एक वचन और बहुवचन। तो पहला देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दरवाज़ा और दरवाजे, इसमें भी आपको याद होगा कि लेसन नंबर
9 में हम लोगों ने वचन को पढ़ा था, ठीक है। एक वचन बहुवचन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है बच्चों, तो आपको याद होगा दरवाजा का दरवाजे, ठीक है। एक दरवाजा है तो दरवाजा, और दो है तो, दो से ज़्यादा है तो दरवाजे हो जाएगा, वो बहुवचन के अंतर्गत लिया जाएगा, ठीक है। दरवाजा का मतलब होता है डोर, ठीक है। दूसरा है देखिए कौवा, कौवा का बहुवचन हो जाएगा कौवे, ठीक है, कौवे। तो कौवा को क्रो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और तीसरा देखिए गमला, गमला को बहुवचन हम लोग पढ़ेंगे गमले, ठीक है। एक से ज़्यादा जहाँ गमले होंगे वहाँ पे बहुवचन शब्द का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। गमला गमले, मात्राएं चेंज होते जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आते जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको विशेष रूप से मात्राओं का ध्यान रखना है तभी आप शब्द बना सकते हैं, ओके। तो गमला का गमले हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कि बिल्ली, बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएगा बच्चों, ये विशेष रूप से मात्राओं का ध्यान देना आप लोग, ओके। मात्राएं अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बिल्ली का बिल्लियाँ, ठीक है। और पांचवा है देखिए बिल्ली को हम लोग इंग्लिश में कैट भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पांचवा किताब, किताब का किताबें, ठीक है। एक किताब है तो एक वचन के अंतर्गत आएगी, और एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम बुक कहते हैं बच्चों, और बुक्स, ठीक है। बुक है तो एक वचन, एंड बुक है तो बहुवचन, यानी बुक सिंगुलर एंड बुक्स प्लूरल, ओके। इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं वचन। आइए यहाँ पे देखिए पौधा, पौधा का पौधे, ठीक है। पौधा का पौधे हो जाएगा बहुवचन, पौधा यानी प्लांट, ठीक है बच्चों। जो हम पॉट में या कुंडी में लगाते हैं उन्हें पौधा कहते हैं, ठीक है। या फिर घरों के अगल बगल भी जो लगाया जाता है उन्हें भी हम पौधा कहते हैं, जो बाद में वो ट्री वृक्ष बन जाते हैं, ठीक है। जो हमें फल और फूल देते हैं उनसे हमें फल और फूल प्राप्त होते हैं, फल और फूलों की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा है केला, केला का केले हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप मात्राएं देख रहे हैं किस प्रकार से चेंज हो रही है, ठीक है। आ की मात्रा से डायरेक्ट ए की मात्रा लग जा रही है, उपयोग हो रहा है बच्चों, ठीक है। केला को हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं, और प्लूरल में यूज करेंगे तो उसे बनानाज कहेंगे, ठीक है। तीसरा है देखिए यहाँ पे पत्ता, पत्ता को हो जाएगा पत्ते, ठीक है। चौथा है यहाँ पे देखिए लड़का, लड़का का बहुवचन लड़की, जिनको इंग्लिश में बॉय और बॉयज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लड़का यानी बॉय और लड़के यानी बॉयज। पांचवा है यहाँ पे तोता, तोता का क्या हो जाएगा बच्चों, तोते, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पैरट कहते हैं बच्चों, और पैरट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों शब्दों को, ओके। छठवां यहाँ पे देखिए भाला, भाला का क्या हो जाएगा बच्चों, भाले हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन है बालिका, बालिका का क्या हो जाएगा बच्चों, बालिकाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मात्राएं कैसे चेंज हो गई, का के साथ क्या लग गया, ए लग गया, यानी स्वर का ये आपको यहाँ पे जुड़ जाने से तो प्लूरल शब्द यानी बहुवचन शब्द बन के तैयार हो गया बालिका का, बालिकाएं, ठीक है। एक वचन है तो बालिका, बालिका यानी लड़की को कहते हैं, एक बेटी को कहते हैं बालिका, तो बालिका और ढेर सारी बेटियां हैं, ढेर सारी लड़कियां हैं, तो उनको हम बालिकाएं कहते हैं, ठीक है। दूसरा है नदी, नदी का नदियां, ठीक है, रिवर कहते हैं जिसको, ठीक है। और जब एक नदी है तो उसके लिए नदी शब्द, और बहुत सारी नदियां हैं तो उसके लिए नदियां, यानी बहुत सारे रिवर हैं, बहुत सारी नदी हैं, तो उनको नदियां शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल में यानी बहुवचन शब्द में। और तीसरा है डाली, डाली का डालियां, ठीक है बच्चों। डालियां शब्द उपयोग किया गया है, और आप देखेंगे कि मात्राएं भी इनकी बदलती रहती है, ठीक है। मात्राओं का भी विशेष ध्यान देना है, ये चीज़ मैं आपको बार बार समझाती हूँ। चौथा है संतरा, संतरा को संतरे कहते हैं बच्चों प्लूरल में यानी बहुवचन में, एक वचन संतरा, बहुवचन संतरे।
और पांचवा है स्त्री, स्त्री का स्त्रियां, ठीक है। बहुवचन में स्त्रियां उपयोग में लेंगे बच्चों। और मात्राएं देखिए किस प्रकार से इनकी चेंज होती है, वो भी आपको विशेष ध्यान देना है। छठवा है सखी, सखी का सखियां शब्द उपयोग किया गया है बच्चों, ठीक है। इनमें भी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे बच्चों, ठीक है, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बार बार इनको याद करिए, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा।